सिचुएटेड ब्रेन में, ब्रेन के कहाँ, टेम्पोरल पार्ट में, टेम्पोरल पार्ट ऑफ ब्रेन वेयर वेयर प्राइमरी ऑफ ड्यूटी सेंटर और सिचुएटेड, जहाँ पे प्राइमरी ऑडिटरी सेंटर सिचुएटेड होता है, और उसके बाद वहीं पे क्या हो जाता है, इम्पल्स डिकोड होता है। अब आते हैं जल्दी से हम नेक्स्ट पार्ट पे, क्योंकि अब ये जो ईयर का जो इनर पार्ट है उसमें जो ये आधा भाग है जो कॉकलियर रीजन है वो क्या है, वो सिर्फ सुनने के लिए हेल्प करता है, बैलेंसिंग में इसका कोई रोल नहीं होता है। अब आते हैं इनर ईयर के अपर पार्ट पे, हमारे कान का ये सिर्फ काम सुनना ही नहीं होता, हमारे कान का ये क्या करता है, बैलेंसिंग में भी हेल्प करता है। तो यहाँ पे ये जो घुमावदार स्ट्रक्चर है, ये जो घुमावदार स्ट्रक्चर है, ये सारा घुमावदार जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं लेबरिंथ, इसको हम बोलते हैं लेबरिंथ, इसको हम बोलते हैं लेबरिंथ। लेबरिंथ लेबरिंथ जो ये बाहर की तरफ ये जितने, ये देखो सारा, ये सारा घुमावदार, ये जो इधर कॉकलिया वाला भी रीजन है, ये सारे को मिला करके हम इसको क्या बोलते हैं, लेबरिंथ बोलते हैं। ये कौन सा, इसके अंदर क्या होता है, एक बोनी स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ही सेम बोनी स्ट्रक्चर होता है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो मेम्ब्रेनस होता है, तो इसको मेम्ब्रेनस लेबरिंथ कह सकते हैं। और जो किससे होता है, सराउंडेड बाई surrounded by bony labyrinth, labyrinth का मतलब होता है भूल भुलैया, देखो भूल भुलैया ही है, देखो टक टक टुक टुक टेक टॉक टिक, ठीक है, ये सब क्या है, भूल भुलैया है, भूल भुलैया को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लेबरिंथ बोल रहे हैं। अब आते हैं यहाँ पे ये जिसका इनर ईयर में जो अपर साइड में जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल। अब यहाँ पे आपको तीन कैनाल दिखाई दे रही हैं, ये कैनाल जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल और डक्ट, सेमी सर्कुलर कैनाल या इसको हम सेमी सर्कुलर डक करते हैं, जैसे कॉकलिया पर यहाँ पे हम क्या देखे थे, सेंसरी पैचेज पाए जाते हैं, जस्ट वैसे ही सेंसरी पैचेज क्या होते हैं, इस सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर भी पाए जाते हैं। इस और इस पैचेज को हम क्या बोलते हैं, मैकुला, इस पैचेज को हम बोलते हैं मैकुला, मैकुला बोलते हैं इन पैचेज को। और इस पे भी क्या होता है, हेयर जैसा संरचना पाया जाता है, वो रोम, रोम जैसी संरचना सारे पे पाया जाता है, अंडरस्टूड सेल्फ अंडरस्टूड सारे पे ये हेयर जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। और ये कहाँ कनेक्ट होता है, यहाँ पे क्या, ये जो हेयर जैसा स्ट्रक्चर जो यहाँ पे सेंसरी पैसेज जो था ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कॉकलिया पे, तो उस पे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो डायरेक्टली किससे अटैच्ड होते हैं, वो ऑडिटरी नर्व से अटैच्ड होते हैं, जबकि जो सेमी सर्कुलर डक्ट है उसमें जो मैकुला होता है, जो पैचेज होते हैं उस पे जो प्रेजेंट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है वो किससे अटैच्ड होता है, वो अटैच्ड होता है वेस्टिब्युलर नर्व से। ये नर्व जो होती है, ये वाली नर्व जो थी ये इसको हम ऑडिटरी नर्व बोल रहे हैं, और ये क्या है, वेस्टिब्युलर नर्व, कहाँ लिखी, यहाँ पर लिख लेते हैं
वेस्टिब्यूलर नर्व, जाकर के ये मैकुला पे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो जाकर के कहाँ पे अटैच्ड हो जाता है, वेस्टिब्यूलर नर्व से कनेक्ट होता है। मैकुला पर उपस्थित जो ये हेयर सेल हैं वो हमारे शरीर पर हेड का पोजीशन बताते हैं कि हमारे शरीर पर हेड का पोजीशन कहाँ पे है, जो कि क्या करता है। और ये हेड का पोजीशन कैसे बताते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू आवर बॉडी, यानी हमारे शरीर के संबंध में ये जो हेयर सेल हैं वो हेड का पोजीशन डिफाइन करते हैं और बताते हैं, और इस तरह से बॉडी को बैलेंस करते हैं। इस तरह से क्या होगा, हमने स्ट्रक्चर भी देख लिया, फंक्शन भी देख लिया, ठीक है, ऑफ ईयर इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन, लोकेशन, स्ट्रक्चर, पार्ट्स ऑफ ईयर भी हो गया, फंक्शन ऑफ ईयर भी हो गया। तो इस तरह से ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसको हम पीडीएफ बना करके आपको सेंड कर देंगे, नहीं समझ में आया तो बोलो, फिर से एक बार और समझाएंगे। थैंक यू।